嗯。 चाहती हूँ कि कई ने काम हो जाए मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए मैं संस्कार और मैं रिया पिचहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है देते हैं फ्रीडम इट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन लाइफ

हर साल हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं इन बातों से मुझे दो शब्द याद आते हैं जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं मगर वतन से खूबसूरत कोई सरम नहीं होता जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं मगर वतन से खूबसूरत कोई सरम नहीं होता नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता कोई कफन नहीं होता Very well said. Now, moving on, we cordially invite our dignitaries with a token of appreciation. First, I would like to welcome Professor Yogesh Singh, sir, Honorable VC, sir. <laughs> <laughs> Professor Ashutesh Trivadi, sir, Dean, IRD. प्रोफेसर मधुसूदन सिंह सर रजिस्ट्रार डी टी यू प्रोफेसर ए सिंधु मैम डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्री अनूप सर कंसल्टेंट यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ही परिणाम है कि आज हमारा वतन इतनी तेजी से विकसित हो रहा है आज हमारा भारत 130 करोड़ लोगों का एक बड़ा परिवार है जो खेल विज्ञान रक्षा वित्त में ना जाने कितनों देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और अनेक चीजों में अव्वल नंबर पर है एंड टॉकिंग एजुकेशन फ्रॉम डे डॉक्टर Today, DTU not only is India's one of the leading technological universities, but we have also made a global mark. Our students, professors, and the whole of this DTU family has made sure that we excel in each and every field from sports to academics, from culture, arts to everything that we can get our hands on today dtu's infrastructure has changed drastically with the new buildings such as department of design which leaves everyone in awe who sees it we have also started various programs for the betterment the most recent one being the lab on wheels today under sir's guidance we can say we have well established centers of excellence in various emerging areas of technology and he has shown us the path

बहुत बहुत बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं कोविड टाइम में बहुत दिन बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने सारे आप लोग आए जो, जो कि मैंने अपेक्षा नहीं की थी इसके लिए एक बार आपको फिर से बधाई प्रोफेसर आशुतोष त्रिवेदी डीन रिसर्च प्रोफेसर मधुसूदन सिंह डीन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एंड रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इंदु, डीन स्टूडेंट वेलफेयर माय फ्रेंड श्री अनूप प्लाठर के डीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स फैकल्टी स्टूडेंट्स आज जो मेहमान आए हुए हैं वो डीटीयू के स्टाफ और छोटे छोटे बच्चे आप सभी का पिचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत अभिनंदन हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आज पिचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हम उसके साक्षी हैं और हम उसकी उसमें कुछ भागीदारी भी करेंगे ये मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है अपनी अपनी भूमिका खोजनी है एक और अच्छी बात हुई आज भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स और कल्चर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अब नहीं होंगे वो करिकुलम का पार्ट होंगे आप सब जानते हैं हमको तो चार साल पहले डी में कर चुके हैं कि डी में स्पोर्ट्स और कल्चर एक्स्ट्रा करिकुलर न के करिकुलम का पार्ट है तो अब भारत की सरकार ने भी ये तय किया कि पूरे देश में ये करिकुलम का हिस्सा होगा मैं समझता हूँ हम सब के हम सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो इम्प्लीमेंट हुआ और उसके अच्छे परिणाम आए और आज सब जगह ऐसा होगा ये सुनकर अच्छा लगता है और हम सबके लिए बहुत ही सम्मान की बात है ऐसा नहीं उन्होंने डी के कारण कहा लेकिन एक संयोग भी बनता है ना अच्छा काम करो तो योग और संयोग भी बनता है ऐसा नहीं कह रहा कि डीटीयू के कारण उन्होंने किया एक अच्छी चीज की उन्होंने शुरुआत करी है अच्छी बात यह है कि हम पहले कर चुके हैं उसकी शुरुआत यहां पर यह नया शब्द है हम सबके लिए अमृत महोत्सव मैं भी नहीं जानता था आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब किया जाता है लेकिन ऐसा है कि पिछहत्तरवा वर्ष शुरू हुआ है अमृत महोत्सव कहा जा रहा है तो मन करता है कि सैतालीस से 2021 1947 से 2021 तक भारत में बहुत कुछ बदला है हम सब जानते हैं बहुत कुछ अच्छा हुआ है कई लोग कह सकते हैं कि और भी अच्छा हो सकता था उस बात को थोड़ा हटा देते हैं अमृत महोत्सव के दिन पे हमेशा और अच्छे की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी लेकिन भारत में बहुत अच्छा हुआ है पिछले फोर्टी सेवन से लेकर अब तक और अगर कुछ हम मन में अपने आप लोग भी सोचिए हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा पहला क्या हुआ कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे प्रभावी लोकतंत्र स्थापित हुआ था। था। मैं कई बार कोट करता हूं विंस्टन चर्चिल को उस समय वो विरोधी दल के नेता थे पहले प्राइम मिनिस्टर थे बाद में विरोधी दल के नेता थे जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी इंडिया इंडिपेंडेंस बिल 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी तो चर्चिल ने कहा था मिस्टर एटली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एटली यू आर कमिटिंग ए हिस्टोरिकल मिस्टेक दीज इंडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड द डी ऑफ डेमोक्रेसी दे नेवर प्रैक्टिस डेमोक्रेसी

कि भारत में एक स्थापित लोकतंत्र और लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं हैं हमारे देश में पावर ट्रांसफर को लेकर कभी संघर्ष नहीं हुआ पिछले चौहत्तर साल में कोई भी पार्टी हो अगर वो हारी है तो उसने सम्मान पूर्वक वो जगह को छोड़ा है और दूसरी पार्टी आई है किसी मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको किसी प्रधानमंत्री ने हटते हुए देश में ये कभी नहीं कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा हार गए सम्मान पूर्वक हार को माना और पावर ट्रांसफर मान से इज्जत से तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुआ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की इतने बड़े देश में इतनी विविधता वाले देश में 131 करोड़ के देश में इसको प्रैक्टिस करना स्थापित करना कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया और उसको इंप्लीमेंट किया बनाने वालों को भी बधाई अंबेडकर जी को भी बधाई और सबको बधाई लेकिन हम सबने मिलकर उसको प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट किया और चौहत्तर साल की हमारे पास एक उपलब्धि है आप सभी जो यहां पर हैं और जितने हम एक करोड़ हैं आज इस अमृत महोत्सव के दिन हम सबके लिए बहुत खुश नसीब बात है कि हम देश विश्व के सबसे बड़े स्थापित लोकतंत्र सबसे बड़ी उपलब्धि चौहत्तर साल की बहुत सारे लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे पास बहुत सारे लोग हैं कि आज इंडिया पावर सरप्लस कंट्री है आप जानते होंगे कि आज जितनी हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं आज बहुत सारे पावर प्लांट्स हमारे बंद करने पड़ते हैं क्योंकि बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं होती ये अलग बात है कि बिजली पूरी नहीं जाती होगी वो स्टेट्स के अपने इश्यूज़ हैं किसी को बिजली सस्ती देनी है किसी को महंगी देनी है किसी को और कारण है किसी के पास पैसे कम हो सकते हैं लेकिन जो पावर सेक्टर में हमारा हुआ कि आज इंडिया पावर सरप्लस है सैंतालीस में लालटेन और दिए जला करते थे गाँवों में शहरों के अंदर भी दिए जलते थे लालटेन जलती थी आज पावर सरप्लस हमारा देश हो गया और छोटा देश थोड़ी है ये इतना बड़ा देश है और आज हम पावर सरप्लस हो गए इंजीनियर्स को भी बधाई और पॉलिसी मेकर्स को भी बधाई जिन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करके आज देश को दे दिया कि ये पावर सरप्लस है एक और उपलब्धि जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आज हम फूड सफिशेंट हैं उन्नीस में आप जानते होंगे और उन्नीस तक भी हमको बहुत सारा बहुत सारी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती थी खाने की गेहूं भी मंगाना पड़ता था हमारे को गेहूं भी मंगाना पड़ता था और भी बहुत सारी खाने की चीजें मंगानी पड़ती थी आज भारत इस स्थिति में है कि हम लोग उसको निर्यात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करने वाला देश एक्सपोर्ट करने पर आ गया यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है साइंटिस्ट ने बहुत काम किया किसानों ने बहुत काम किया लोगों ने बहुत काम किया पॉलिसी मेकर्स ने काम किया और ऐसा शुभ दिन है आज अमृत महोत्सव के दिन कि हमें आज खाना मंगाने के लिए बाहर किसी के जाने की जरूरत नहीं है हम तो दूसरों को देने में सक्षम हो गए लेने वाला देश अगर देने में सक्षम हो गया कितनी अच्छी बात हुई है ये एक और उपलब्धि है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल में पिचहत्तर साल की बात करते हैं तो 25, 25, 25 के अगर तीन कालखंड भी लें हमने अपनी जिंदगी में उसको चेंज होते देखा है मैं छोटा बच्चा था हमारे गांव के लिए बैलगाड़ी जाया करती थी छोटे शहर के बाद में गांव के लिए आज घर तक कार जाती है पूरी स्पीड से जाती है आप साठ से चला लो सत्तर से आपकी ताकत है कितनी स्पीड से चला सकते हो आप में जितना दम हो उतना चला लो रुकावट कोई नहीं है सड़क में कोई रुकावट नहीं है जहां पर कि बचपन में बैलगाड़ी से गए हैं बैठ के मैं भी गया हूं बैलगाड़ी जाया करती थी किसी को तेज चलना होता था तांगे होते थे तांगों में चलने वाला देश बैलगाड़ी में चलने वाला देश आज हमारे पास में रोड्स और अगले 15-20-25 साल में जब तक हम 100 साल तक पहुंचेंगे विश्व की सबसे अच्छी रोड्स हमारे पास होंगी ऐसा हम सबका विश्वास है जिस तेजी से काम चल रहा है और ये 25-30-40 साल में बहुत सारा काम हुआ और आज उसके रिजल्ट हमको दिख रहे हैं कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इन्वेस्टमेंट इस पर हो रही है रेलवेज हमारी देखिए बहुत अच्छी हुई एयरपोर्ट्स तो हमने अपनी आंखों के सामने अभी पिछले 15-20 साल में बदलते देखे एयरपोर्ट्स मेट्रो भी हमारे लिए नया फिनोमिना था आज दिल्ली मेट्रो में चलिए मन खुश हो जाता है और अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने और भी देशों की यूरोपियन कंट्रीज की और यूएस की भी मेट्रोज कई शहरों की देखी होंगी क्योंकि वो सौ साल पहले बनी थी इसलिए नहीं कि वो नहीं बना सकते थे वो सौ साल पुरानी है तो हमको लगता है हमारी उनसे अच्छी हैं वास्तव में अच्छी हैं तो इस तरह से इंजीनियरिंग में हैवी इंजीनियरिंग में भारत ने जो कुछ किया पिछले सालों में मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत खुश होने की बात है और मन को अच्छा लगने वाली बात है कि जो देश में हुआ यह सब कुछ होता और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप जो बोल रहा हूं वो नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं था आज आप में जितने लोग बैठे हैं किसी के मन में यह तो भय नहीं है ना कि सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है अगर किसी के मन में भय है तो वह हाथ उठाकर मुझे बताए कि मुझे डर है कि अभी आक्रमण होगा और हम सक्षम नहीं होंगे उसका जवाब देने में आज भारत की स्थिति नहीं है पहले तो आसानी से कोई आक्रमण करेगा नहीं और यदि करेगा तो उसका जवाब भारत देगा ऐसा हर भारतवासी को विश्वास है हमारे मन में डर है ही नहीं यहां बैठे हुए कि ऐसा कुछ होगा सीमाएं सुरक्षित करना अपने देश की किसी भी राज्य का पहला काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम वही है अगर वहां पर चूप जाएंगे तो बहुत नुकसान होता है ऐसा हमसे ज्यादा कौन जानता है तो आज सीमाएं सुरक्षित हैं हमको चिंता नहीं है आपको चिंता नहीं है यूनिवर्सिटीज भी अच्छी तभी चलती हैं जब जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हों आज अफगानिस्तान के बच्चे हमको कह रहे हैं कि सर हमको बुला लो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हमारे बैठे हैं मैडम बैठी हैं उनसे पूछिए कि सर हमारे यहाँ पता नहीं कल क्या हो जाए अभी हमारा एडमिशन हुआ है हम भारत बुला लो अफगानिस्तान के वो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे आज अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते जो हमारे पास हैं कि हमको हॉस्टल में प्लीज़ रहने दो क्या कसूर है उन बच्चों का वो तो अच्छे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं अपना जीवन बनाना चाहते हैं वो मेरे बच्चे आप सब ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जे में भी हो रहा है कि उनको बुलाया जाए अफगानिस्तान हम तो पहले ही बुला चुके हैं क्योंकि हम अखबार का सहारा नहीं लेते हैं तो देखिए कैसी परिस्थिति उस देश की हो गई लेकिन हमारे यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे बच्चों को के मन में ऐसा भाव ही नहीं है छोटा भी बच्चा होगा ये छोटे बैठे इनको भी ये पता है कि कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की जो हमने ली है शक्तिशाली हैं सीमाएं सुरक्षित हैं और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो इस समय बहुत अच्छा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है डिफेंस को लेकर मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और हमारे मैं अभी डी की एक ड्रोन लेबोरेटरी में गया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ड्रोन पे जो काम कर रहे हैं ये लोग क्योंकि आने वाले वक्त में ड्रोन का बहुत इस्तेमाल होना है वॉरफेयर में भी होना है शांति में भी होना है और सर्विसेज में भी होना है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उस पर काम हो रहा है डी में भी उस पर काम हो रहा है यानी जो कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आएगी हम काम करेंगे ये एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा मन भारत में लोगों का बना हुआ है ये एक बहुत ही लाइक एक ये एक सेटिस्फेक्शन का का इशू है हम सब के लिए कि हम पीछे किसी से भी नहीं हैं अब आ जाओ टेक्नोलॉजी में आज भारत यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी में गजब कर रहा है अभी मैं क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आज भारत के लोग कैसा कर रहे हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब टाटा टाटा एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 1905 में प्रपोजल गया गवर्नर जनरल ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो तो भारत के लोग हैं ये इनके पास साइंटिफिक टेंपर और रिगर है ही नहीं तो इसलिए ये साइंटिफिक साइंस की यूनिवर्सिटी क्यों बनाना चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्योंकि नौकरियां भी नहीं मिलेंगी कुछ होगा नहीं और उसका कोई फायदा नहीं होगा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ कि हमारे अंदर साइंटिफिक एक्मन नहीं है हमारे अंदर साइंटिफिक माइंडसेट नहीं है ऐसा सा उस समय का विचार था आज तो ब्रिटेन नहीं सोच सकता है कि हमारे पास साइंटिफिक रिगर और साइंटिफिक रिगर नहीं है हमारे पास साइंटिफिक माइंड नहीं है क्या वो सोच सकते हैं नहीं सोच सकते हैं क्यों नहीं सोच सकते हैं आज YouTube पे 26.6 करोड़ यूजर भारत के हैं अमेरिका के हैं 19.7 करोड़ यानी भारत के लोग नंबर वन हैं YouTube को इस्तेमाल करने में अभी दूसरा आ जाता हूं WhatsApp पे उनतालीस करोड़ भारत के लोग हैं और 7 करोड़ लोग अमेरिका के हैं भारत नंबर वन फेसबुक पे 34 करोड़ लोग भारत के हैं 20 करोड़ लोग अमेरिका के हैं फेसबुक पे भी भारत के लोग सबसे ज्यादा हैं इंस्टाग्राम पे भी भारत 14 करोड़ है और दूसरे लोग 13 करोड़ है यूएस यानी जितने ये प्लेटफॉर्म हैं आजकल सोशल मीडिया के भारत के लोग बहुत एक्टिव हो रखे हैं आजकल उन पर उसके फायदे नुकसान दोनों हैं उस पर नहीं जा रहा लेकिन क्रिए लेकिन यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी आज हमारे यहाँ कोई एवर्शन नहीं है कि कोई कह दे कि इनको यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम है बिजली गांव में बाद में पहुंची होगी स्मार्टफोन पहले पहुंचे आज गांव में बिजली बिजली तो पहुंच गई सब जगह अब लेकिन फिर भी स्मार्टफोन चल रहे हैं सारे देश कनेक्टेड हो गया कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की इसको हमको समझना भी चाहिए तभी तो हमें जब कनेक्ट हुए तो आज जितने सोशल मीडिया ये तो आप कह सकते हैं कि यार हम हैं भी तो ज्यादा अरे ज्यादा तो हम पहले भी थे सैंतालीस में भी तो कम थोड़ी थे छत्तीस करोड़ थे आज कोई भी कंपनी यदि विश्व में कुछ नया बनाती है अच्छा बनाती है और उसको अगर कहीं पे कुछ लॉन्च करना है तो भारत को इग्नोर नहीं कर सकती पहले एशियन स्ट्रेटी स्ट्रेटेजिस्ट बनाए अपॉइंट होते थे कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रमोट करने के लिए आज आपको हैरान हैरानी होगी कि कई कंपनीज में इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट अपॉइंट होते हैं फॉर स्पेसिफिक क्योंकि चाइना बहुत क्लोज है और क्लोज कर लिया उन्होंने अपने आप को पिछले दिनों और क्लोज कर लिया तो एक हमारा जो स्थान है वो और बेटर हुआ कारों कितनी तरह की कारें हैं विश्व में कहीं कार आती है हमारे यहाँ होती है कितने सारे ऑटोमोबाइल्स आप देख लीजिए कहने का मतलब कुछ भी नया और अच्छा विश्व में कहीं आता है तो वो सोचते हैं भारत में इसको लॉन्च जरूर किया जाए अब ओ टी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हमारे यहाँ देखो ओ टी प्लेटफॉर्म्स उनके बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब कोई फिल्म कहीं भी आ जाए भारत के लोग सबसे पहले देख लेते हैं अपनी भी और उनकी भी काफ़ी उपलब्धि है ये भी भारत की लेकिन कंट्री कैनॉट बी जस्ट द कंज्यूमर ऑफ नॉलेज क्रिएटेड एल्सवेयर हम 131 करोड़ लोग लेवल वन अचीव कर गए कि आप कुछ बनाओगे हम इस्तेमाल जरूर करेंगे अच्छा होगा तो भी करेंगे कम अच्छा होगा तो भी करेंगे लेकिन क्रिएशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उस पर भारत में अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है अठारह में ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया और तीन यूनिवर्सिटीज बनाई गई बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास मैं इसीलिए इसको ले रहा हूं कि 1857 से कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो हम बोलते हैं उसको नया एजुकेशन सिस्टम वो वहीं से आया और 1877 में 1877 में भारत में पहली पीएचडी एच हुई कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने करी 1877। और 1857 से 1920 तक 39 नाइन थे देश में 1920 तक 39 नाइन पीएचडी थे देश में इंजीनियरिंग की पहली पीएचडी भारत में 1923 में आई पहली पीएचडी और 1930 तक दो पीएचडी थी और 1940 तक पांच इंजीनियरिंग की पीएचडी थी हम कहां से शुरू हुए थे हमको तो गर्व करना ही चाहिए कि पिछले साल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग 78 पीएचडी थी और इस साल हमारा टारगेट अपना सौ का है जिस देश में 1940 में टोटल पांच पीएचडी थी आज मैं समझता हूं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के अंदर डी टीयू सौ कर सकता है तो मेरे पास डेटा नहीं है लेकिन हो सकता है कि हम दो तीन हजार पीएचडी इंजीनियरिंग की प्रोड्यूस करते होंगे साल भर में तीन चार हजार भी हो सकती है वो पीएचडी जो प्रोड्यूस करते होंगे तरक्की तो है तरक्की तो है और सौ एक हजार से ज्यादा आज यूनिवर्सिटीज हैं अठारह सौ में तीन थी आज एक हजार से ज्यादा हैं और भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज प्रधानमंत्री जी ने भी आज उसके बारे में बात करी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई उसके जो परिणाम अच्छे आने हैं वो तो अभी समय लगेगा थोड़ा लेकिन शिक्षा में बहुत सारे काम की आवश्यकता है हम सब समझते भी हैं तो उससे क्या होगा कि नॉलेज क्रिएशन के काम पर जो अब होना है देखिए हर चीज़ का लेवल होता है पहले यूज होगी तब क्रिएट होगी ऐसा किसी देश में हुआ नहीं कि सीधे क्रिएट हो जाए कोई चीज़ पहले उसके प्रति अच्छा भाव आएगा उसके बाद इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसमें से कुछ नया निकलेगा ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की और हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से निकल रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे जैसे जैसे इंप्लीमेंट होगी और अगले 25 वर्ष में बहुत सारा अच्छा इसमें से निकलेगा ऐसा हम सब मानते हैं और सही भी मानते हैं कल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही बहुत अच्छी कि भारत में सब विषय पढ़ाए गए देशभक्ति पढ़ाई नहीं गई कल माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था कि देशभक्ति पढ़ाई नहीं गई दिल्ली में देशभक्ति करिकुलम उन्होंने लागू किया यही तो सोच के लागू किया कि कहीं इसकी आवश्यकता है मैं उसपे थोड़ी सी देर में आता हूं एक और उपलब्धि हुई कि पूरे देश में एक झंडे का राज्य स्थापित हो गया 15 अगस्त हम जानते हैं कि 15 अगस्त उन्नीस को भारत में बहुत सारे राज्यों का मिलन हुआ पर सारे राज्य नहीं आए 15 अगस्त को सारे राज्य नहीं आए हमारे पास आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जूनागढ़ हमको 15 सितंबर उन्नीस को आया हैदराबाद हमको 18 सितंबर उन्नीस को आया त्रिपुरा पंद्रह नवंबर उन्नीस को आया मणिपुर पंद्रह अक्टूबर उन्नीस को आया सिक्किम पंद्रह मई उन्नीस को आया पांडिचेरी सोलह अगस्त उन्नीस को आया गोवा दमन दीव दादर नगर हवेली उन्नीस 19 दिसंबर उन्नीस को आए और टेक्निकली कश्मीर अब आया <प्राणगा> था तो पहले से ही पर टेक्निकली अभी आया एक झंडे का राज्य स्थापित हुआ भारत में मैं समझता हूं यह कितनी बड़ी उपलब्धि तो है यह तो पिछले दो तीन चार हजार साल पहले तक नहीं हुआ समुद्रगुप्त के बाद में कब हुआ एक झंडे का राज्य स्थापित हुआ राजनीतिक रूप से भारत मजबूत हुआ इसकी झलक हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमको नजर आती है हर भारत वाले को गर्व करना चाहिए इसके लिए कि ऐसी व्यवस्था बनी और आज भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी है वर्ल्ड में थ्री ट्रिलियन डॉलर की इकॉनॉमी है और टारगेट रखा गया है सिक्स ट्रिलियन डॉलर्स का तो थर्ड इकॉनॉमी थर्ड बेस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनेगी अगले 25 साल में जब हम 100 साल का ये मनाएंगे शायद हम में से बहुत सारे तो होंगे तब तक हम मान के चलते हैं कि हम अपनी आंखों से सोवा भी देखेंगे और ट्रिलियन डॉलर सिक्स ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी देखेंगे <प्लुण> देखो सोचना मानना तो अच्छा ही चाहिए कि हम रहेंगे नहीं रहे तो नहीं रहे पर अपन को मान के चलना चाहिए कि अपन रहेंगे तो डेवलपिंग नेशन से भारत डेवलप्ड नेशन बनेगा अगले 25 साल में ये पक्का है जो भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं भारत डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनेगा ये पक्का है और हम सब उसके भागीदार भी होंगे साझीदार भी होंगे और अपनी आंखों से उसको बनते भी देखेंगे ये वो पीढ़ी है जो उसको देखेगी भी और हमारे आने वाले बच्चे उसका उपभोग भी करेंगे तो डेवलप्ड इंडिया का जो सपना है वो 25 साल में पूरा होगा ऐसा सबका विश्वास है आप सब लोग मानते हैं ऐसा बहुत अच्छी बातें मानते हैं आप सबको बधाई कि आप ऐसा मानते हैं मैं भी मानता हूं पर ना मेरी चिंता कुछ अलग है मेरी चिंता डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन तो हम बनेंगे ही बनेंगे कोई नहीं रोक सकता इतने लोग हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो बनेंगे ही बनेंगे पर मेरी चिंता ना थोड़ी अलग है डेवलप्ड नेशन तो भारत पहले भी रहा है भारत का 1800 साल तक जीडीपी शेयर वर्ल्ड जीडीपी में 36 परसेंट का रहा है हमारी 36 परसेंट की हिस्सेदारी थी 1800 साल तक और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1599 को 31 दिसंबर 1599 को तो जिस दिन ये बनी है उससे अगले दिन भारत का जीडीपी उस दिन भी तेईस परसेंट था वर्ल्ड जीडीपी में सोने की चिड़िया था ये देश तो डेवलप्ड नेशन तो ये पहले भी रहा है बहुत समय रहा है लंबे समय तक रहा है दो साल हम डेवलप्ड नेशन रहे जो भी पैरामीटर्स थे डेवलपमेंट के उस समय के देखो आज से नहीं तुलना करना आज की परिस्थिति के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं लेकिन जो भी पैरामीटर्स उस समय के थे भारत उसमें डेवलप्ड नेशन था ये सब मानते हैं सोने की चिड़िया था हाई मॉरल वैल्यूज थी ये सब तो था तो मेरी चिंता जायज भी है और 15 अगस्त के दिन इसका कहने का कारण भी है जो पहले ना रहा हो जिसने वो देखा ना हो वो तो ठीक है हमारे पुरखों ने तो देखा था ना भारत के बहुत पुराना पोर्ट है सूरत बॉम्बे तो पोर्ट बाद में आया बहुत बाद का है सूरत बहुत पुराना पोर्ट है और हमारे जो समुद्री जहाज थे भारत के विश्व में सबसे अच्छे बड़े टिकाऊ समुद्री जहाज सूरत से बनते थे सूरत में बनते थे और वहां से चलते थे गुजरात का जो पूरा पोर्ट का एरिया है उसकी विशेषता थी और विश्व व्यापार में लोग खरीदते थे आप गुजराती भाषा देखिए इतने सारे शब्द परशिया के पर्शियन के मिलेंगे उसमें बटाटा मराठी वाले भी यूज करते हैं बटाटा किसको बोलते हैं आलू को बोलते हैं लेकिन ये पर्शियन शब्द है नफो टोटो टो। नफो टोटो पर्शियन शब्द है ऐसे कितने शब्द हैं जो पर्शियन भाषा से गुजराती मराठी और फिर हिंदी में आए एक शब्द है नक्की है ना नक्की कर लो है तय कर लो तो यानी जो व्यापार था हमारा ट्रेड था वो इतना था कि 36 परसेंट की हम भागीदारी रख रहे थे इतने हाई मॉरल वैल्यूज का ये देश डेवलप्ड देश 36 परसेंट का जीडीपी रखने वाला देश तो हरिओम पवार साहब की आपकी कविता है कई बार सुनाई है पर मुझे बहुत अच्छी लगती है आज उसको मैं रिपीट करता हूँ हरिओम पवार आप जानते ही हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं वो कहते हैं कि ये भारत जगत ये भारत जगत गुरु था पूरी दुनिया जान रही थी ये भारत जगत गुरु था पूरी दुनिया जान रही थी भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी ये भारत जगत गुरु था पूरी दुनिया पूज रही थी भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी कोलंबस जो निकला था वो तो भारत आना चाहता था उसने सुना था कि कोई बहुत सारा पैसा वैसा है उधर जाएंगे तो कुछ अपना भी हिसाब किताब बनेगा वो तो गलती से अमेरिका पहुंच गया वास्को डिगामा को लेकर कौन आया साउथ अफ्रीका से भारत के लोग लाए ना हमारी पहुंच व्यापार में इतनी जबरदस्त थी और लोगों को लगता था विश्व में हर देश को लगता था यार उस देश को के पे जाए और वो कहते थे हम खोज रहे हैं अरे खोए थोड़ी थे हम जो जिसे खोज रहे हो तुमसे पुरानी सभ्यता थी हमारी हम कोई को खोए थोड़ी थे जिसको खोजने निकले थे तुम लेकिन चलिए वो आना चाहते थे यहां पे व्यापार करना चाहते थे भारत के लोगों के साथ में देखेंगे व्यापार करेंगे तो ये भारत जगत गुरु था पूरी दुनिया पूज रही थी भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था हमने सोलह बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे हमने रावण के घर जाकर अपने पौरश दिखलाए थे सीता जी के सत्य के आगे धरती को फटते देखा था राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था लेकिन जाने या अनजाने भूले कर बैठे थे भारी लेकिन जाने या अनजाने भूले कर बैठे थे भारी इसलिए हमने आज़ादी भी हारी सैंतालीस में आज़ादी तो ले आए हैं स्वर्ण जयंती वाले गहने आजादी को पहनाए हैं उस तरह उन्होंने कविता लिखी तो वो भूले क्या हैं आप फिर से डेवलप बन जाओगे 25 साल में बन जाओगे जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है अभी 70 साल तक खतरा नहीं था अपने को 75 साल तक खतरा तो अब शुरू होगा जैसे जैसे डेवलप बनते चलोगे आज सीमाएं सुरक्षित हैं कल भी सुरक्षित रहें इसकी क्या गारंटी है क्योंकि हम पहले भुगत चुके हैं इसको ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है और ए एक बटालियन है अपने इंडियन आर्मी में राजपुताना राइफल्स उसका देव वाक्य है क्षमा वीर से भूषणम क्षमा वीरों को शोभा देता है और भारत इसकी प्रैक्टिस करता रहा है कि क्षमा वीरों को शोभा देता है बट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन एंड नॉट गुड क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहा मोहम्मद गौरी को सोलह बार क्षमा करना और सत्रवीं बार हारना भारत का इतिहास और भूगोल दोनों बदल गया एक मेरे से हिस्टोरियन से मेरी बात हो रही थी उसने कहा जी ये तो ना हिस्ट्री और लिटरे लिटरेरी वर्क अलग होता है तो ये सोलह बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया नहीं है उसको ये गलत है दो ही बार हुआ था एक बार वो हारा था और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए मैंने उनको कहा हिस्टोरियन को चलिए ठीक है इस झगड़े में मैं नहीं जा रहा कि नंबर कितना था लेकिन अगर पहली बार भी हरा दिया था तो काम तमाम कर देना चाहिए था ना उसका हिट फर्स्ट हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग ये जो क्षमा वीरस्य भूषणम है ना ये सीमाओं के अंदर ठीक है सीमाओं से बाहर ये ठीक नहीं है सीमा मतलब बॉर्डर्स बॉर्डर से बाहर कुछ भी होगा वहां ये, ये थ्योरी नहीं चलती हिस्टोरियंस कह रहे हैं एक बार ही हारे थे दो बार हारे थे जी कोई कहता है तीन बार हारे थे कभी कह रहा है कि सोलह बार जितनी बार भी सही एक आध बार हारा तो था ना वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि दैट ईयर था 1192, हंड्रेड दैट वॉज द एंड ऑफ ब्रेवरी इन इंडिया द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज द एंड ऑफ ब्रेवरी इन इंडिया तो ऐसा भारत जो जबरदस्त था 600 साल गुलाम रहा डेवलप्ड भी था डेवलप्ड भी था पैसे वाला था, था। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी सोने की चिड़िया बोलते थे डेवलप्ड था बिल्कुल था उस समय के पैरामीटर्स के हिसाब से हम डेवलप्ड भी थे सोने की चिड़िया भी था तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी थे इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठ था यह देश सबके लिए अच्छा था यह कबीर का देश था नानक का देश था समुद्रगुप्त का देश था चंद्रगुप्त का देश था हरि सिंह नलवा का देश था राजा दाहिर का देश था कितने सारे नाम है जिनका यह देश था वीरों का देश था पर 600 साल गुलाम तो रहा ना क्या कारण थे कि यह गुलाम बना क्योंकि अब अगर हम क्या हमने वो कारण आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अगर कर लिए हैं तो क्या उन पर कुछ काम शुरू किया है देश ने डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स अगले 25 साल में आप पूरे कर लेंगे चिंता नहीं कीजिए सड़क भी होगी रेल भी होगी पानी भी होगा बिजली भी होगा नल से जल की अभी प्रावधान प्रा, अभी बात हुई कि नल से जल सबको मिलेगा वो सब कुछ होगा पर इस जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा हम फाइनल स्टेज उत्कर्ष की तरफ पहुंचेंगे खतरा फिर बढ़ेगा तो क्या उस खतरे को निपटाने के कारण हमने खोज लिए क्या ये 600 साल गुलाम क्यों रहे राम का देश कृष्ण का देश हनुमान का देश इतने सारे वीरों का देश और बीस बीस हजार लोगों से हारा है बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार है पांच हजार से भी हारा होगा बिल्कुल पांच हजार से भी हारा थ्री हंड्रेड में जब चाणक्य ने सिकंदर को रोकने के लिए भागदौड़ करी कि रोको रोको वो आ रहा है कितने राजा उसके साथ आए थे तो वो कारण हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिए हैं क्या अगर नहीं किए हैं तो ये करने का वक्त है और फिर उन पर काम करने का वक्त है अदरवाइज हम फिर कहीं खतरे में ना आ जाए ये मेरी चिंता का विषय है क्योंकि ये ये तय करेगा मैं जब ने कहा ना जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में रहती है ये, ये तय करेगा कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा भारत देना चाहते हैं ये ये तय करेगा कि भारत में आने वाली पीढ़ियां हमको माफ करेंगी कि नहीं करेंगी ये ये भी तय करेगा कि अगर बहुत अच्छा बनेगा भारत कितना टिकाऊ रहेगा ये सब कुछ ये ये तय करेगा तो मैंने कुछ कारण आइडेंटिफाई किए आप लोग भी आज सोचिएगा कुछ कारण ये कारण क्या रहे और क्या हमने आइडेंटिफाई किए और उस पर कुछ काम किया है नहीं किया है तो करना चाहिए राज्य का पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा अशोक ने भी यह गलती करी पृथ्वीराज चौहान ने भी यह गलती करी राजा को बॉर्डर से बाहर दया दिखाने का अधिकार ही नहीं है यह गलती समुद्रगुप्त ने कभी नहीं करी यह गलती चंद्रगुप्त ने नहीं करी यह गलती चाणक्य ने नहीं करी पर अशोक ने करी दया मैं फिर बोल रहा हूं मेरे को गलत नहीं समझना मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि बॉर्डर के अंदर जो हमारे लोग हैं यहां दया करुणा सब होना चाहिए बॉर्डर से बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा राज्य का सबसे पहला काम है और हमारे फोर फादर्स ने क्या किया उसकी प्रैक्टिस एनिमीज के साथ भी करनी शुरू कर दी देश कमजोर हुआ तो सब कुछ अच्छा है तभी तक जब तक सीमाएं सुरक्षित हैं कोई कंप्रोमाइज इस पर नहीं होना चाहिए देश में एट एनी कॉस्ट एक छोटी छोटी तोपे लेकर लोग आए और हमारे लोग घोड़ों पे और क्या बोलते हैं आप हाथियों पे लड़ने गए उनसे संभव ही नहीं है इस तरह की लड़ाई आज अमेरिका कर क्या रहा है ऑस्टिन में बैठकर वो चला रहे हैं सारा क्योंकि वो दूसरे कमजोर हैं टेक्नोलॉजी से वो पेश रख ही नहीं पाए हैं तो हमको अगर किसी भी कॉस्ट पे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करना पड़े हमको करना है बैग बोरो स्टील वट एवर यहां पर कोई कंप्रोमाइज भारत के बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि हमसे ज्यादा विश्व में किसी ने भुगता नहीं है इसको हमने भुगता है तो हमको यह रिपीट नहीं करनी है गलती दूसरी बात है कि एकता का अभाव था राजाओं में शत्रुता थी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव ही कोई नहीं था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी मिलकर कभी आक्रमण हुआ तो उसका मुकाबला ही नहीं किया जितने लोग एक तरफ से लड़ते थे उससे ज्यादा दूसरी तरफ से लड़ते थे उसको मारने के लिए राष्ट्र प्रेम का भाव बहुत कमजोर था धीरे धीरे कमजोर हुआ वो धीरे धीरे कमजोर हुआ तो कंप्रोमाइज इस पर नहीं होना चाहिए दूसरा कंप्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए ये एक भी बहुत कमजोर हुआ देश में पर्सनल करेक्टर पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं भारत में सारी पढ़ाई लिखाई पर्सनल करेक्टर पे सीमित हो गई लेकिन नेशनल कैरेक्टर क्या होना चाहिए एक व्यक्ति का आचरण देश के लिए क्या होना चाहिए इस पर कोई काम नहीं हुआ तो अगर आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा दिल्ली के कह रहे हैं कि फिजिक्स आपने पढ़ाई केमिस्ट्री पढ़ाई मैथ्स पढ़ाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई देशभक्ति पढ़ाई नहीं ना स्कूल में पढ़ाई ना कॉलेज में पढ़ाई अब जिसमें मेहनत नहीं करोगे तो उसका तो रिजल्ट आएगा ही नहीं ना इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है यह सारा वैभव तभी तक रहेगा अगर देश के लोग ऐसा करेंगे तो इसलिए ये मैंने तीन चार पांच हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं आप भी सोचिएगा अपन फिर बात करेंगे इस पर तो इन सब पर तो काम होना ही चाहिए कि इसको कैसे दूर किया जाए पहला नेशनल करेक्टर डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए कि राष्ट्र मेरा है राष्ट्र से प्रेम की भाव बच्चे में छोटे छोटे से वो करना एक बनाना घर से परिवार से समाज से स्कूल से यूनिवर्सिटी से सबसे और जो भारत के नागरिक हैं उनमें भेद भेद करके देखना इससे बड़ी गलती नहीं होगी ऐसा मत करो राज्य ये अफोर्ड नहीं कर सकता सभी लोग हमारे हैं ऐसा परस्पर प्रेम का भाव जागृत करना राष्ट्र के लिए प्रेम का भाव और सहयोगियों के लिए प्रेम का और इज्जत का भाव जागृत करना इसीलिए कहते हैं कोलेब्रेशन की भावना को बढ़ाना कंपटीशन की भावना को कम करना ये कैसे करना है आप सब पढ़े लिखे समझदार लोगों कोई ना कोई इस पर करिए हम डी में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हमको इस पर कोई और रस्ते सोचिए इसके लिए कि डी से जो बच्चे निकले वो लगे तो सही कुछ अलग से निकल रहे हैं अच्छा भाव है तो राष्ट्र के प्रति अगर आपका हित देश के हित में नहीं है और यदि अलग है तो आप में कुछ गलत है ऐसा तो समझना चाहिए हमको क्योंकि मानना चाहिए कि देश की मुक्ति में ही हमारी मुक्ति है अभी एक पिक्चर आई है अभी कल रिलीज हुई आप में से कितनों ने देखी है मुझे पता नहीं शेर शाह देखिए ये उस पर आई है प्राइम पे आई है हा एमेजन प्राइम पे आई है आज मेरे कहने से देख लेना अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आए पूरी पिक्चर देखते हुए तो कोई वर्कशॉप जरूर अटेंड करना देशभक्ति ईमानदारी से आप हो वो पिक्चर है और आपका मन है हम तो बीच में नहीं आप हमें तो कह देना मेरे बहुत आए थे आंसू पर अपने से पूछ लेना कि मेरे आए थे कि नहीं आए थे वो उसका एक उदाहरण है एक टेस्ट है तो जरूर देखिएगा एक और बात की बहुत आवश्यकता है जो राजाओं में भी थी और प्रजा में भी थी जिसके कारण और गुलाम हुए कि हमको सेल्फिश एटीट्यूड को और जेलसीज को कंट्रोल करना सिखाना चाहिए इतना ज्यादा हम सेल्फ 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 को प्रमोट करते हैं शिक्षा वाले भी करते हैं हमारा तो कसूर सबसे ज्यादा बनता ही है सबसे ज्यादा हमारा बनता है क्योंकि बच्चा छोटा हमारे पास ही आता है सेल्फ को प्रमोट करना जितना कम करेंगे उतना अच्छा क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो सब तरह के भाव हैं स्वार्थ का भी है दया का भी है प्रेम का भी है करुणा का भी है त्याग का भी है सब भाव हमारे अंदर हैं उस भाव को बढ़ाना हम तो स्वार्थ के भाव को बढ़ाते हैं चाहे हमारी पॉलिसीज हो चाहे प्रमोशन एक्टिविटीज हो चाहे कुछ भी हो तो उस कारण से वो ना पेड़ बन जाता है जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचता है और जब हम समाज में उसे वापस करते हैं तब तक तो वो बरगद का पेड़ बन जाता है स्वार्थी होके इतना तो पहले भी गुलामी हुई 600 साल की कहीं 1000 साल की आगे ना हो जाए इसकी चिंता करना ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इतना स्वार्थी इंसान हम पैदा कर रहे हैं अब पिछले दिनों पेंडेमिक आया देश के अंदर कितनी सारी समस्या हम सबने भुगती है बहुत सारे लोगों का आचरण बहुत अच्छा रहा तो बहुत सारों का बहुत अच्छा नहीं भी रहा क्योंकि राष्ट्रप्रेम का अभाव था इस पर बहुत सारी काम करने की जरूरत है क्योंकि जेलसी को भी कैसे कंट्रोल करें अब दो लोग हैं एक से चिढ़ रहा है वो कारण कोई नहीं है बस जेलसी हो रही है उसको वो आता ही नहीं ना कंट्रोल करना सिखाया नहीं है ना टीचर्स को पता कैसे कंट्रोल करते हैं पता वैसे मुझे भी नहीं है आप सोचो मुझे पता पता मुझे भी नहीं है <laughs> क्योंकि मैं भी तो इसी सिस्टम से हूं ना लेकिन हमको सब बैठेंगे मिलकर सोचेंगे कि इसके क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जेलसी को कंट्रोल करने के खुश रहना है तो जेलसी को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपसे ऊपर बहुत हैं दुनिया में और कोई व्यक्ति कभी स्थाई है ही नहीं थोड़े दिन के लिए आप आए हैं तीन कितना छत्तीस हजार पांच सौ दिन को आप आए हो धरती पे इससे ज्यादा तो हो नहीं छत्तीस हजार पांच सौ से ज्यादा तो कोई नहीं है छत्तीस हजार पांच सौ दिन है तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें डिजाइन तो करने चाहिए करेगा कौन ये तो फैकल्टी का काम है टीचर्स का काम है इसको डेवलप करना उसको कंट्रोल कैसे करें एक कवि ने कहा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक परिस्थिति के लिए उसने कहा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले सीता खुद रामड़ ललकारो राम नहीं आने वाले अरे कमाल हो गया देश में एक कवि को ये लिखना पड़ रहा है कि बेटियों आप सुरक्षित नहीं हो आपकी सहायता को कोई नहीं आएगा खुद सक्षम बनो वो जो देख रहा है वो लिख रहा है लेकिन ऐसा भाव देश में निर्माण हो तो हम सबके लिए शर्म की बात है और ऐसा बहुत घटनाएं हुई है देश के अंदर अरे सहायता को ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता नहीं आएगा भाई नहीं आएगा सहयोगी नहीं आएगा दोस्त नहीं आएगा और नहीं आ रहा है तो सब गलत है ही ना तब तो गलत है ही ना तो इस तरह की भाव जो हमारे हैं कि असुरक्षा की जो भावना किसी में भी हो वो वो असुरक्षा की भावना का निर्माण ना हो इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है छोटे बच्चे से करने की जरूरत है आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं आप यह के नहीं बच सकते कि ये तो स्कूल वालों का काम है अगर स्कूल वालों का काम है तो आप मेंटोर तो बन सकते हैं ना आप कुछ नया सोच के उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास तो कर सकते हैं ना और अभी हमारा जो आउटरीच है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पर अभी आउटरीच एक्टिविटीज़ में कि वो मेंटोरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें स्कूल के बच्चों को हमारे स्टूडेंट्स के साथ में एक जोड़ा जाएगा और लेकिन उसका फ़ायदा बहुत तब होगा जब हमारे वाले भी बहुत अच्छे होंगे और स्कूल के भी होंगे तो इस पर जब विचार होगा तो आगे काम होगा ये बहुत काम करने की आवश्यकता है मुझे लगता है क्योंकि देश प्रेम का भाव स्वार्थ कंट्रोल करना जेलिस को कंट्रोल करना ये भारत के लिए बहुत जरूरी है हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इसलिए और ज्यादा जरूरी है हम चाइना थोड़ी हैं हम ना रशिया हैं ना चाइना हैं जहां कुछ लोगों का कब्जा हो गया तो कब्जा हो गया सारे सिस्टम के ऊपर हमारा तो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है सबको रिस्पॉन्सिबल बनना कि मैं इस देश का नागरिक हूं मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊं ठीक से वरना मुझे सावरकर को मैं कोट कर रहा हूं सावरकर की एक बात याद आती है पिछली बार भी शायद मैंने कही थी कि सावरकर जब वहां से अरेस्ट हो लाए गए तो वो बेड़ियों में थे उनकी पत्नी उनको मिलने आई उन्नीस साल की थी दो साल पहले तीन साल पहले शादी हुई थी तो उनको देख के वो रोने लगी और वो रोने रु, लगी कि मैंने तो शादी जब की थी आप बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे आज मैं बेड़ियों में तीन साल बाद आपको देख रही हूँ तो सावरकर ने जो कहा उसने कहा और जबकि सावरकर काफी टफ माने जाते थे अपने उसके लिए फिर भी उनका भी मन पसीज गया पत्नी को रोते देख के तो उन्होंने कहा कि रो मत आजाद भारत हमारा त्याग और बलिदान समझेगा आजाद भारत हमारा त्याग और बलिदान समझेगा आप सावरकर के विचारों से असहमत हो सकते हैं आप उसके उनके थॉट प्रोसेस में कुछ कमी निकाल सकते हैं वो तो किसी के भी निकल सकते हैं। गांधी के भी लोग निकाल देते हैं वो इशू नहीं है लेकिन उनकी देशभक्ति पे तो कोई संदेह नहीं कर सकता आजाद भारत में तो वो भी होता है अगर उन्होंने कहा कि आजाद भारत हम कहते हैं शहीदों को याद करना चाहिए कि हमारे त्याग और बलिदान को समझेगा ये भावना थी तो इस भावना को बढ़ाना यूनिवर्सिटीज के अंदर ये बहुत आवश्यक है शिक्षा तंत्र में इस पर बात होनी चाहिए और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको वी प्रीमियम गुडनेस को देना चाहिए क्योंकि गुडनेस बहुत कम है अच्छाई बहुत कम है अच्छाई के पेड़ लगाने चाहिए अच्छाई बहुत कम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए संभालना चाहिए और इस पर भारत में काम खास होता नहीं है क्योंकि चाणक्य ने कहा था मैं बहुत कोट करता हूं कि दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा सज्जन लोगों की निष्क्रियता के निष्क्रियता के कारण देश समाजकाल का नुकसान होता है 300 हंड्रेड बीसी में भी सच था आज भी सच है और कल भी शायद सच ना रहे सच रहे वो क्यों है कि हम अच्छाई को प्रोटेक्ट नहीं करते अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते उनको सपोर्ट नहीं करते जो अच्छा है वो अच्छा है जो बुरा है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो लेकिन अच्छो अच्छे कम हैं अच्छाई के पेड़ कम हैं तो उसके लगाने के प्रयास होने चाहिए और उसके कारण हमको ढूंढ लेने चाहिए नॉलेज क्रिएशन की जो बात मैंने कही थी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है नॉलेज क्रिएशन पे देश अब काम करेगा करना भी हमको है क्योंकि टेक्नोलॉजी में साइंस में नई नई चीज़ें आएंगी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में पिछले 200-300 साल में बहुत सारे डिस्कवरीज़ हुई हैं इन्वेंशंस हुई हैं अगले 20-25 साल में और ज़्यादा होंगी और हमको उसमें लीडरशिप देनी है कुछ एरियाज़ में कुछ एरियाज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है स्पेक्टेटर नहीं बनना है भारत बहुत साल स्पेक्टेटर रहा है हर चीज़ का जब यूजेज अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो हम स्पेक्टेटर थे यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमको अपना पार्टिसिपेशन करना है एज ए प्लेयर एज ए कैप्टन एज ए लीडर इस पर जो है एक माइंड हमें बनाना चाहिए इसीलिए इनोवेशन की आजकल बात हो रही है दिल्ली की सरकार भी और भारत की सरकार भी इस पर बहुत आगे बढ़ा रही है कि इनोवेट करना ऑन्टरप्रिनरशिप को बढ़ावा देना क्योंकि देश ऐसा चाहता है ये भी एक देशभक्ति का एक तरीका है हमको करना चाहिए और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो ये तो मैं बहुत बार कहता हूँ शपथ दिलवाने की कोशिश करता हूँ कि हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे देश के खिलाफ हो हम हम हर एक के प्रति अच्छा भाव रखें और देश की चिंता करें अपनी चिंता आपकी अपने आप हो जाएगी हो क्या रहा है हम अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं देश की चिंता करते नहीं हैं और उस कारण से ये इस परिस्थिति का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है अमृत महोत्सव पर पूरे वर्ष चलेगा डी में साल भर इस पर प्रोग्राम होंगे मैं अपने डीन स्टूडेंट वेलफेयर से अनूप लाठर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप साल भर इसके जो प्रोग्राम चलाएं उसकी एक कैलेंडर बनाएं हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर और उसमें इन सब पॉइंट्स जो मैंने कुछ बोले हैं कुछ आप सब लोगों के पास जो होंगे आप हमारे प्रोफेसर इंदू को दीजिएगा ताकि उस आधार पर हम कुछ वर्कशॉप्स कराएं कुछ कार्यक्रम कराएं और एक अच्छे भाव का निर्माण हो भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा हम अपनी आंखों से देखेंगे ये तो है ही लेकिन ये विकसित फिर हमेशा रहे ताकतवर हमेशा रहे दूसरों की मदद करने के लिए इसलिए नहीं कि किसी को जीतने के लिए मदद करने के लिए ताकतवर है क्योंकि क्षमा रामधारी सिंह ने कहा था ना क्षमा शोभ थे उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसका क्या जो खुद ही विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो तो इसलिए ताकतवर बनना है कि हम दूसरे की मदद करेंगे विश्व के कल्याण के लिए काम बाद में होगा पहले भारत का कल्याण होगा तो विश्व का भी कल्याण होगा ऐसे अच्छे देशभक्त नागरिकों की आवश्यकता है हम सब अपनी अपनी भागीदारी करेंगे यही हमारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को एक श्रद्धांजलि भी होगी उनके प्रति हम अपने कर्तव्य का भी बोध होगा और हम सब अपने अपने तरीके से अपना रोल डिफाइन करते हुए काम करेंगे तो यही पंद्रह अगस्त के कार्यक्रम की सार्थकता भी होगी इन्हीं शब्दों के साथ पिचत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं so thank you for such kind words we hope such inspirational words has raised everyone's spirits filling you all with the feeling of patriotism amrit mahotsav these words all together have a very different feeling as sir said from people thinking that we don't know the d for democracy to being the, the largest in the world we have come a long way proving everyone wrong from export infrastructure power to being the best in defense टेकिंग इंडिया टू न्यू हाइट्स टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल लाइज इन आर हेंड्स इन आर हाथ इन आर माइट्स थैंक यू और भी खूबसूरत और भी ऊँचा मेरे देश का नाम हो जाए और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए काश की हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए